नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आम की गुठली से बनने वाला मुखवास। जी हाँ दोस्तों, अभी आम का सीजन चल ही रहा है और सभी के घर में आम आ रहे हैं। तो और कहावत भी एक फेमस है, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये गुठलियाँ आप ऐसे फेंकी नहीं, इन्हें संभाल के रखिए। इनसे बहुत ही अच्छा, टेस्टी और बहुत ही मतलब विटामिन और B12 से भरपूर मुखवास बनता है। तो आज मैं आपको उसकी प्रोसेस बता रही हूँ। ये मैंने आम की गुठली ली है, इन्हें मैंने अभी धूप में सुखाया नहीं है। एक वो भी प्रोसेस है, उसको धूप में सुखा के और उसको फोड़ के और फिर बॉईल करना है। हम लोग इसे डायरेक्टली कुकर में बॉईल कर रहे हैं, जिससे ये एकदम फटाफट और इजीली बन जाता है। उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। तो ये मैंने आम की गुठली ले ली है, अब मैं इसे कुकर में बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। कुकर में मैंने पानी रख दिया है। देखिए दोस्तों, कुकर में मैंने पानी डालकर इसे बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 8 से 10 इसकी सीटी ले लेंगे और फिर हम इसे गैस बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, बॉईल हो चुकी है हमारी गुठलियाँ और इस तरीके से ये खुल गई है। ये देखिए, ये भी खुल गई है, फिर ये भी खुल गई है ऐसे। तो आप इसे चाकू की सहायता से ऐसे करके पूरा खोल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर की जो ये गुठली है वो पूरी निकल जाएगी और इसका ये छिलका निकालना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया है तो ये इजीली निकल जाएगा। ये देखिए, पूरा छिलका इसका निकल गया है। इस तरीके से हम बाकी सारी गुठली का भी निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरी ये अपने आप ही आसानी से ये निकल गया। अब हमें इसे बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप सारी गुठलियों का निकाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, निकालने के बाद मैंने इन गुठलियों को इस तरीके से ऐसे पतली पतली चिप्स इसकी काट ली है मैंने। अब इसे आप धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा दीजिए, उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इसे सभी को काट लीजिए और आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी गुठली हमने बॉईल करी थी और फिर उसके बाद कट करके इसे मैंने धूप में सुखा दिया था, तो ये एकदम अच्छे से सूख चुकी है। आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा घी रख के उसमें सेकेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में घी रख दिया। घी बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, ये मैंने 1 छोटी चम्मच जितना घी इसमें डाला है। बस हमें इसको इसमें हल्का सा सेकना है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें घी डालना है। और घी के साथ ही मैं इसमें पहले ही ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मैंने 1 1½ टीस्पून लिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसमें काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो वो इसी समय आप डाल दीजिए, ताकि वो सीखते समय पूरी जो हमारे चिप्स है उन पे लग जाएगा। इस तरीके से आप इसे घी में सेक लीजिए। देखिए दोस्तों, ये पूरी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें हम बाकी का मसाला मिलाएंगे। ये दो तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें मसाला मिला के और एक आप ऐसे ही रख के, जो हम धनिया दाल और सौंफ का जो हम मुखवास बनाते हैं उसमें भी आप ये अलग से ऐड कर सकते हैं। उससे भी वो बहुत टेस्टी लगता है मुखवास। मतलब जिनको सुपारी खाने की आदत है और अगर वो आदत आपको छुड़वाना है तो उसकी जगह आप ये चीज ऐड कर सकते हैं, तो उससे ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, विटामिन सी और B12 और कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये हमें खाना चाहिए, हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अलग से निकाली, थोड़ी इसमें मैं मसाला मिला रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ, इसे थोड़ा हम खट्टा मीठा मुखवास बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर,
साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूं जीरा पाउडर और इसमें मैं ऐड कर रही हूं शुगर पाउडर। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। और दोस्तों जैसे हमने पहले उसमें ब्लैक सॉल्ट डाला था जब हम उसे सेक रहे थे, अब मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट डाल रही हूं। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, या कुछ आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये हल्का गर्म है अभी, तभी मैंने इसमें सारे मसाले मिलाए जिससे वो इसमें सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और दोस्तों आप इसे पूरे साल ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता ये। तो देखिए दोस्तों ये मसाला मैंने इसमें मिला दिया है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों तरीके से तैयार है गुठली का मुखवास। ये मैंने सिर्फ ब्लैक सॉल्ट और घी में सिका हुआ रखा है, ये भी सिका हुआ है, लेकिन जो इसमें मैंने अभी मसाले डाले तो ये मसालेदार है और ये सिर्फ नमक और घी में सिका हुआ है। तो दोनों आप अच्छे से टेस्ट, इन दोनों का टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।